अरविंद गुप्ता। और इस वक्त हम लोग देख पा रहे हैं कि अरविंद गुप्ता को सपोर्ट करने वाले कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं। सर, क्या बात है, किस बात को लेकर आप इतने खुश हैं? अरविंद गुप्ता काफी आगे चल रहे हैं इसलिए? नहीं, आगे नहीं चल रहे, वो जीत चुके हैं, उनका फाइनल हो गया, वो 22,000 प्लस से जीत चुके हैं। हम अभी हाल से बाहर आए हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर तो अगर देखें तो अभी 35,000 वोट तो वो हासिल कर चुके हैं, तो देख के कैसा लगता है कि एक भारी बहुमत उनको मिला है? हमें उम्मीद से बढ़ के मिला है, जो हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि वर्कर ने जी तोड़ मेहनत की थी, वो मेहनत रंग लाई है। और जो जम्मू की जनता है, खास करके वो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को पसंद करती है, उसी का नतीजा है कि आज अरविंद गुप्ता जी जीत कर आए हैं, आपके सामने हैं। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया जाएगा, हम उनकी तैयारियों में बाहर आए हैं, तो बाकी रुझान भी देखते हैं आगे देखो माता रानी क्या करती है, क्या होता है। लेकिन फिलहाल मैं आपके माध्यम से सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो अरविंद गुप्ता जी जितनी हमें उम्मीद नहीं थी उससे बढ़ चढ़ कर जीत के आए हैं। जय हिंद। आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज शर्मा है, मैं बीजेपी स्पोर्ट्स सेल का कमिश्नर हूं। कैसा लग रहा है देख के कि अरविंद देख मेरी जीत कर रहे हैं? और जीत तो मतलब आ ही गई, मेरी वहां पे ड्यूटी थी, अंदर हाल के अंदर ही था मैं, और 22,270 वोटों से वो जीत चुके हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। अरविंद गुप्ता को मुबारकबाद, और जो जम्मू की जो पब्लिक है, जो वन साइड चली है, हम उनको बड़ा बड़ा मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने बीजेपी को आगे बहुमत से जिताया है। और हम ये कहते हैं कि अब जो सीएम बने वो हमारा जम्मू का ही बने। आप चाहते हैं कि जम्मू का ही कोई सीएम होना चाहिए, क्या लगता है डोगरा सीएम बनेगा? डोगरा ही होगा, क्योंकि काफी समय से उम्मीदें लगाई जा रही कि अब डोगरा जो है कोई होना चाहिए। ये मेरे कहने पे नहीं होगा, ये हाईकमान का फैसला है, हाईकमान जो जिसको चाहेगी वो उसको बनाएगी। आपको क्या लगता है कि कोई डोगरा सीएम होना चाहिए? अरविंद गुप्ता तो चलिए वैसे ही लगभग तो जीत ही चुके हैं, क्योंकि देखिए मैं आंकड़ा वैसे आपको बता दूं, आंकड़ा कहता है कि 37,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं, तो जीत तो लगभग हासिल हो ही चुकी है। अरविंद गुप्ता जी जीत चुके हैं, अभी बाहर आए हैं वहां से, उनको मुबारकबाद दे के। क्यों नहीं बनेगा मैडम जी सीएम? आप मुझे ये बताएं कि अगर भाजपा लोगों के काम करवाती है, लोगों के काम आती है, तो भाजपा की सरकार क्यों नहीं बने जम्मू में? जम्मू के लोगों को जम्मू का हक क्यों ना मिले? हर बार जो ठेका लिया हुआ है वो कश्मीर वालों ने लिया हुआ है। क्या हम लोगों का हक नहीं बनता है कि हमारे जम्मू की भी तरक्की हो, हमारे जम्मू के बच्चों को भी नौकरियां मिले? ठीक है, हम यही चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने, और भगवान ने चाहा तो बीजेपी की ही सरकार बनेगी। ये हमारे जो सेंटर में बैठे हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने बोला हुआ है कि हम बीजेपी की सरकार बनाएंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी। जय हिंद जय भारत। क्या अभी जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, आप वैसे तो काफी खुश आप लोग दिखाई दे रहे थे, आने वाले समय में अभी अगले कुछ घंटों में यहाँ पे ढोल नगाड़े बजते हुए दिखेंगे? ऐसा है मैम, मैंने रखे हुए हैं नवरात्रे माता के, पूरे पूरे नवरात्रे रखे हुए हैं। वो तो मैंने भी रखे हैं। हाँ, रखे हुए हैं, अभी हम खाली पेट है, सही बताऊं मैं आपको तो। इतना खाली पेट होने के बावजूद इतना जोश? जोश तो मैम अभी हमने दिखाया ही नहीं, जोश हम दिखाएंगे शाम को, जो हमारा सही प्रोग्राम होगा शाम को जोश दिखाएंगे। अभी तो हमारे भाई 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 बंधु हमारे इकट्ठे कहाँ हुए, अभी तो सब अपनी अपनी जगह, कोई रोटी खाने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सब अपने काम में लगे हुए हैं। हमारा जितना भी जम्मू के अपने बत्ती के जितने भी वर्कर हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, जम्मू की बेस्ट को मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ी खुशी की बात है कि अरविंद गुप्ता जी जीते हैं। ये उनकी जीत नहीं है, जम्मू बेस्ट की जीत है ये। जय हिंद। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और आपने देखा कि किस प्रकार अरविंद गुप्ता के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और आपस में खुशियां मनाते हुए एक दूसरे के साथ गले मिलते हुए दिखे, और उन्होंने एक बात तो बता दी कि हमें कहीं ना कहीं इस बात की खुशी है कि अरविंद गुप्ता लगभग जीत ही चुके हैं। देखिए मैं अभी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़े की बात करूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आंकड़ा ये कहता है कि 37,098 वोट से अभी अरविंद गुप्ता आगे लीड कर रहे हैं। हालांकि अभी ये पूरा डिक्लेयर नहीं हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि वो जीते हैं या नहीं, क्योंकि सिर्फ ये लीडिंग के बारे में बता रहे हैं। पर चलिए, इतना बड़ा आंकड़ा आना भी कहीं ना कहीं जीत की तरफ ही इशारा करता है। एक बड़ी अपडेट आपके साथ हमने साझा की, देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।